हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो अभी हम हैं इंटरनेशनल इंडियन ट्रेड फेयर में, जो कि आपका लगता है प्रगति मैदान में। तो जस्ट हम उसी का व्लॉग शूट करने आए हुए हैं एंड आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि यहाँ पे हम नया क्या है या पुराना क्या था। वो हमें भी काफ़ी टाइम बाद लग रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था बीच में। ठीक है, तो अभी हम यही कवर करने आए हुए हैं एंड हम आपको दिखाएंगे पूरा अंदर का व्लॉग जितना पॉसिबल हो पाएगा इधर में। और आप सब जानते हैं कि एक साथ पूरा रिकॉर्ड कर पाना इज नॉट ए इजी टास्क, काफ़ी बड़ा है, कई छोटे छोटे पार्ट में आएगा। ठीक है, तीन चार वीडियो हो सकती हैं। तो हम सोच रहे हैं इसे पार्ट्स में निकालें ताकि आप भी इंगेज रहें और आपको भी देखने का मजा आए, ऐसा नहीं कि लॉन्ग वीडियो हो जाए पूरी। ठीक है, तो आपको पूरा रूट बताते हैं कि कैसे आपको आना, क्या टिकट प्राइस है और टाइमिंग क्या है सब कुछ। तो गाइस, पहले मैं आपको बता दूँ कि जो प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर लगा है वो आपके नियस्ट मेट्रो स्टेशन जो आपका है वो है प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन, जिसका नाम चेंज होकर हो गया सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन। पहले प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के नाम से था बट इसका नाम चेंज हो गया और ये अब है सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट के मेट्रो स्टेशन से आपको एग्जिट करना जो कि है ब्लू लाइन में, और वहाँ से एग्जिट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऑटो ले सकते हो या फिर फ्री शटल भी चलती है प्रगति मैदान के लिए, जिसका कोई कॉस्ट नहीं होती। बट यू नो कि कुछ दिन के लिए लगता है प्रगति मैदान, तो लाइनें बहुत लंबी होती है। फ्री शटल में आपको पता नहीं कितनी देर वेट करना पड़े। तो 20 रुपये सवारी ऑटो की, तो आप ऑटो से आ सकते हो। 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से प्रगति मैदान का जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा है वहाँ से। ठीक है, चार डिस्टेंस है 1 से 1.5 किलोमीटर का, तो आप ऑटो से आ सकते हो। 20 रुपये फेयर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बात करते हैं अंदर, देखते हैं आपका पूरा व्लॉग एंड फिर मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में।
सो गाइज हमने आपको दिखाया पूरा वीलॉग, आई होप आपने वो देखा होगा, पूरा टूर आपको पसंद आ रहा होगा। तो बेसिकली जैसे मैं आपको बता दिया कि जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आपका लगा है उसके आने के लिए आपका प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन, जिसका नाम चेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन हो गया है, और जो कि है ब्लू लाइन में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टिकट प्राइस की, कि क्या टिकट प्राइस है और किस किस टाइमिंग ये ओपन रहता है। टिकट प्राइस की बात करें तो इसका जो टिकट प्राइस है, अगर आप बिजनेस डेज में आते हैं तो वो तो ख़त्म हो गया, ठीक है, इसमें तो आप आ नहीं सकते। अब बसता है कि नॉन बिजनेस डेज में तो जो आपका टिकट का प्राइस रहेगा वो 150 रुपये के आसपास रहेगा आपको। अगर कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जो रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन का वहाँ पे मिल जाएंगे, अगर वहाँ पे अगर आपको टिकट वगैरह नहीं मिलती है तो आप पेटीएम वगैरह बुक पेटीएम से बुक कर सकते हैं, वहाँ पे 150 रुपये टिकट मिलेगी आपको, ठीक है। तो टैक्सी वक्त के लग के 152 में पड़ जाएगा, जिससे यहाँ नहीं पड़ेगा। जो मेट्रो स्टेशन टिकट लेंगे उन्हें गेट नंबर 3 से एंट्री मिल जाएगी, और जो ऑनलाइन पेटीएम से कराएंगे उन्हें गेट नंबर 4 से एंट्री मिलेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आप लोग कोशिश करना है कि अगर किसी व्हीकल से आ रहे हैं अपने तो उससे ना आए, क्योंकि यहाँ पे शायद मे बी आपको पार्किंग की सुविधा ना मिले। हाँ, पार्किंग का इशू है थोड़ा, ठीक है। एंड रही बात टिकट प्राइस की, तो जैसा आपको बताया कि शनिवार रविवार यानी हॉलीडे पे जो वीकेंड होता है उसमें आपको टिकट प्राइस रखते हैं 150 रुपये पर पर्सन का, और अगर आप मंडे टू फ्राइडे आते हैं तो आपका मात्र 80 रुपये का टिकट प्राइस है, जो कि आपको मेट्रो स्टेशन या कुछ मेट्रो स्टेशन वहाँ पे मिल जाती है, लिस्ट आपको गूगल कर सकते हो, बाकी ऑनलाइन आप पेटीएम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बेसिकली अगर आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपका कोई सी भी लाइन हो मेट्रो की, आपको यह एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका सेंटर में पड़ेगा वो राजीव चौक वाला याद रखना, ठीक है। राजीव चौक से आपको थोड़ा सा आगे आना है तो वो आपका पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। वहाँ से आपको एग्जिट करना है, गेट नंबर कौन सा 2 नंबर गेट से आपको एग्जिट करना है, वहाँ से आपको फ्री बसेस वगैरह मिल जाएंगी। अगर आपको वो नहीं लेनी है, ऑटो वगैरह लेना है, तो वो ऑटो से आपको 20 रुपये फेयर मिलेगा, वहाँ पे यहाँ पे गेट नंबर 4 के आके छोड़ देगा। एंड आई होप गाइज आपको ये वीलॉग पसंद आ रहा होगा, आने वाले पार्टों के लिए लग बने रहें इस वीडियो के साथ। एंड इस वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी कर देना ताकि ये वीडियो थोड़ी वायरल भी हो जाए यार। और गाइज हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे हम काफ़ी अमेजिंग कंटेंट बिहाइंड द सीन या फिर जो भी शूट वीडियोस की हम यूट्यूब पे नहीं अपलोड कर पाते वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। ऑसम रील्स वगैरह हम कुछ रील्स भी शूट करते हैं, तो जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हैंडल आपको यहाँ दिख रहा होगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जहाँ पे जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और आने वाले फेसबुक पेज भी यार, उसे चले जाएगा। हाँ, फेसबुक पेज है, उसे लाइक कर लो। एंड अगली पार्ट के लिए वीडियो के साथ बने रहो और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे। So I got a dream that I'm gonna be at the